सुखी संसार। हिमाचल में होने वाले विधानसभा चुनावों के प्रचार के अंतिम दिन सभी राजनीतिक दलों ने अपने अपने पक्ष में जनसभाएं, नुक्कड़ सभाएं, रोड शो और डोर टू डोर प्रचार कर जनता के बीच अपनी बात पहुंचाने का प्रयास किया। इसी कड़ी के तहत गुरुवार को चुनाव प्रचार के अंतिम दिन नेता प्रतिपक्ष और हरोली विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के प्रत्याशी मुकेश अग्निहोत्री ने बीजेपी प्रत्याशी और अपने प्रतिद्वंदी प्रोफेसर राम कुमार की गृह पंचायत पालकवा में जनसभा कर अपनी ताकत दिखाई। सरकार पर निशाना साधने के लिए अपने चिर परिचित अंदाज के लिए जाने जाते मुकेश अग्निहोत्री ने पालकवा में आयोजित जनसभा में मंच से ही बैंड पार्टी से बाबुल की दुआएं गीत की धुन बजवाकर जयराम सरकार की विदाई का दावा किया। हिमाचल प्रदेश के अंदर सरकार बदल जा रही है, हिमाचल प्रदेश के अंदर सरकार बनने जा रही है। अड़तालीस घंटे के बाद ठीक 48 घंटे के बाद दोस्तों मित्रों का नाम चलता है। और मैं जयराम जी को कहना चाहता, तू इधर उधर की बात ना कर, ये लड़ाई मुकेश अग्निहोत्री को मारने वास्ते एक ते एक सूर में आ रहे प्रधानमंत्री जी आ गए, प्रधानमंत्री जी आ गए, योगी जी आ रहे थे। आज भी रैली प्लान की गई थी, सुना था गालिब के उठेंगे होंगे चिथड़े, देखने हम भी गए लेकिन तमाशा ना हुआ। रैली